हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू ओवर 6.3। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें इस तरह की कुछ फिगर दी गई है। इसके अंदर एंगल पी 95 डिग्री, एंगल आर 40 डिग्री और एंगल एस है 75 डिग्री। इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है? एंगल एस क्यू टी मतलब ये एंगल कितना है वो हमें फाइंड करना है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा पहले सोचते हैं, फिर बाद में देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा। तो ये एंगल अगर फाइंड करना है तो पहले तो अगर इस ट्राइंगल के ये बाकी के दो एंगल्स हमारे पास हो तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हैं तो उसको 180 में से माइनस करके हम ये तीसरा वाला जो एंगल है उससे फाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम वो करेंगे, ये वाला एंगल फाइन करेंगे। जब ये एंगल मिल जाएगा हमें तो ऑटोमेटिकली इसके सामने वाला एंगल भी उसके सेम ही होगा, बिकॉज अगर कहीं पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स बनता है तो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सेम होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे और ये एंगल और ये एंगल, ये ऑपोजिट सामने सामने वाले एंगल्स जो है वो सेम होते हैं। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, जब ये एंगल हमें मिल जाएगा उसके बाद दो एंगल्स मिलने के बाद तीसरा एंगल हम 180 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या किया, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन किया जो 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल पी प्लस आर प्लस पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू है 95, ये रही। R की वैल्यू 40 डिग्री, तो R 40 डिग्री लिखा हमने। पी टी आर एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 95 प्लस 40 तो हो जाएगा 135। ये 135 ऑपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 180 माइनस 135 तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। अभी ये एंगल 45 डिग्री हमें मिला है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो सेम होंगे। इसलिए एच टी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद अभी इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हैं हमारे पास, थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन होगा 180 डिग्री, तो वही किया हमने, तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री। इसके अंदर एस क्यू एस टी क्यू उसकी वैल्यू है 45 डिग्री, एंगल एस उसकी वैल्यू 75 डिग्री और एस क्यू टी एज इट इज 45 प्लस 75 तो उसका आंसर आएगा 120 डिग्री। 120 ऑपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कुछ ऐसी फिगर दी गई है जिसके अंदर हमें x और y की वैल्यू, ये x और ये y, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे? तो जो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमें यहाँ पे एक z दिख रहा है इस तरह का कुछ, ये वाला, राइट। इस तरह से हमें एक z दिया हुआ है तो z के एंगल अंदर के एंगल सेम होते हैं, तो ये एंगल मतलब कि 65 डिग्री ओके, ये वाला एंगल मतलब 65 डिग्री और ये पूरा एंगल, ये दोनों होंगे सेम, राइट। तो इधर 65 डिग्री है और यहाँ पे दो एंगल है x और 28, सो x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री। तो उसके ऊपर से हमें x एंगल मिल जाएगा, हमें x एंगल मिल जाए उसके बाद ये एंगल तो है हमारे पास 90 डिग्री, तो y एंगल भी आराम से फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ये एक ट्राइंगल है, राइट। ओके चलो लेट्स सी, सबसे पहला काम हमने किया कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी। पी क्यू आर के अंदर दो एंगल्स अलग अलग, एक है पी क्यू एस और दूसरा एंगल है एस क्यू आर, तो ये दोनों एंगल हमने लिख दिया। और क्यू आर टी उसकी वैल्यू हमें दी है 65 डिग्री। आर क्यू एस एंगल मतलब ये एंगल, इसकी वैल्यू है 28 डिग्री। पी क्यू एस एज इट इज जो कि है x इक्वल टू 65 डिग्री, 28 ऑपोजिट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा,
65 -28, तो इट विल बी 37 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल चुका है 37 डिग्री। ये एंगल एक राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए इस ट्राइंगल के लिए, राइट। ये एक ट्राइंगल है पी क्यू एस, सो ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर तीनों एंगल का एडिशन होगा 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री, पी क्यू एस की वैल्यू 37 डिग्री एंड पी एस क्यू वाई एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 + 37 दैट इज 127 डिग्री। ये 127 ऑपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 180 -127 दैट इज 53 डिग्री। तो चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक प्रूव टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एंगल पी क्यू आर और एंगल सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल क्यू टी आर, इस तरह का दो अलग अलग ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। उसके अंदर से एक दूसरी लाइन है आर एस, आर एस नाम की एक रे है। यहाँ पे जो क्यू टी है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स उसको हाफ में डिवाइड करता है, और ये आर टी है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब कि वो उसे हाफ में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है क्यू टी आर, मतलब कि ये एंगल इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस एंगल का हाफ करने पे हमें ये वाला एंगल मिलता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स सी कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसका एक्सटीरियर एंगल है ये वाला पी आर एस, तो इसलिए पी आर एस की वैल्यू क्या होगी, तो पी आर एस की वैल्यू होगी एंगल ये पी और ये क्यू, इन दोनों का एडिशन। पी और क्यू ऐड करने पे हमें ये वाला एंगल मिलेगा पी आर एस। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। अभी हमने दोनों तरफ 1/2 1/2 1/2 कर दिया, सो पी आर एस हाफ, एंगल पी आर एस का हाफ करने पे हमें क्या मिलेगा, तो फिगर के अंदर देखते हैं पी आर एस, तो ये एंगल पूरा है पी आर एस, इसका हाफ करने पे हमें क्या मिलेगा, तो हाफ करने पे दो एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। तो इन दोनों में से हमें कोई एक वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमने ये वाला वैल्यू पुट की है वहाँ पे टी आर एस, एंगल टी आर एस। तो पी आर एस का हाफ करने पे क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा एंगल टी आर एस। एंगल क्यू पी आर का हाफ, एंगल क्यू पी आर, इसका हाफ करने पे क्या मिलेगा, वो कुछ फिगर में है ही नहीं, राइट। तो उसे हम एज इट इज रखेंगे। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, तो इसका हाफ करने पे दो एंगल है, एक पी क्यू टी और दूसरा है टी क्यू आर, मतलब ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। तो इन दोनों में से भी हमें कोई एक वैल्यू लिखनी है, तो हमने ये वाली लिखी है टी क्यू आर, दोनों के अंदर जिसमें टी है वो वाली वैल्यू हमने ली। चलो, तो ये हमारा हो जाएगा एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम रख देंगे, इसको बाद में यूज करेंगे हम, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, एंगल टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल टी क्यू आर। ये जो एंगल है टी आर एस, टी आर एस ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल टी क्यू आर। ये ट्राइंगल टी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू होगी ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन करने पे हमें ये वाला एंगल मिलेगा टी आर एस, उसी को हम यूज करेंगे। एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो अभी ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी लेफ्ट साइड में टी आर एस, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में टी आर एस है,
तो अगर कोई भी दो इक्वेशन के लेफ्ट साइड सेम है तो हम उसके राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं। तो सेम चीज वी आर गोइंग टू डू। इसके राइट साइड हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर, तो हमने यहाँ पे लिखा है हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर, और इसके राइट साइड क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, सो क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। अब इसमें से जो भी सेम चीज है उसे हम कट कर देंगे, सो ये टी क्यू आर और टी क्यू आर कैंसिल, राइट। तो इस तरफ बचेगा हमारा एंगल क्यू टी आर और इस तरफ बचेगा एंगल हाफ क्यू पी आर। तो हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, दैट इज प्रूव। रेडी ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।